हाय गाइस, दिस इज ईशा विनोद जैन एंड आई होप यू फीलिंग नाइस टुडे। सो जो आज का वीडियो है इट्स गोना बी ऑल अबाउट कुर्तीज एंड कुर्ता सेट्स फ्रॉम फैशन। एंड आई थिंक अभी मैं काफी टाइम से फैशन के वीडियोस बना रही हूँ। आई ऑनेस्टली लव देयर कलेक्शन, देयर यू नो पैटर्न्स और उनकी जो डिजाइन वगैरह है बहुत यूनिक है। तो इस बार भी मैं आप लोगों के लिए कोड लेकर आई हूँ जिसको आप जब बाय कर रहे होगे तब आप उसको यूज कर सकते हो। माई कोड इज ईशा जून और मैं यहाँ पर स्क्रीन के इस कॉर्नर में या इस कॉर्नर में मैं मेंशन कर दूंगी। आपको ये कोड से ना एडिशनल 5% का और डिस्काउंट मिल जाएगा फैशन की वेबसाइट पे। अगर आपने अभी तक फैशन की वेबसाइट को चेकआउट नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है मैंने, डू चेक देम आउट। उनके पास अमेजिंग ड्रेसेस एंड कॉट सेट्स एंड ट्रेडिशनल वेयर है। तो या बहुत ही ब्यूटीफुल है उनका कलेक्शन और प्राइस पॉइंट इज लाइक सेमी प्रीमियम टाइप्स। प्रीमियम क्वालिटी दे रहे हैं बट सेमी प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, व्हिच आई फील इज ग्रेट। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहली कुर्ती है ना वो ये है एंड आई ऑनेस्टली लव इसका जो नेक है, थोड़ा सा स्पेशियस नेक दिया है, स्पेशियस राउंड नेक है एंड आई लव दिस वी कट जो इन्होंने छोटू सा दिया है। इस नेकलाइन को ना लीफ नेकलाइन कहते हैं एंड मुझे राउंड नेक से ज्यादा लीफ नेकलाइन अच्छी लगती है। इसके ऊपर ना एक्चुअली फॉइल पेपर वर्क एंड टेम्पल गोटा डिटेलिंग हो रखी है विच इज लुकिंग वेरी थोड़ा सा हैवी। अगर आप इवेंट्स में पहनना चाहो या घर में कोई फंक्शन वगैरह है या अभी फेस्टिवल्स आएंगे उसमें भी अगर आप नॉर्मली कैजुअली कुछ पहनना चाहते हो तो आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट। इसके स्लीव एंडिंग पे ना गोटा पट्टी डिटेलिंग इन्होंने दे रखी है एंड आई लव दिस एग्जैक्ट पैटर्न जो ऑल ओवर द कुर्ता में चल रहा है। ऑल्सो इसका पाउडर ब्लू कलर इज सो ब्यूटिफुल एंड वाइट का कॉम्बिनेशन विद एनी कलर स्पेशली पेसल्स ना बहुत ब्यूटिफुल कर देता है। तो या ये अभी प्राइस हो रहा है फॉर पीस 999 बट आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड यूज कर सकते हो और आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो मैं आपको इसका पूरा लुक बताती हूँ। Guys, this is how the kurta is looking like. आई मीन आई जस्ट लव द पाउडर ब्लू कलर एंड ओवरऑल इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। स्पेशली नेक से इसकी प्रिंट बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रही है। पीछे से इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। बहुत ही कम्फर्टेबल है, लाइट वेट है। अगर आप वेकेशन वगैरह पे जा रहे हो या आप कैफेज वगैरह जा रहे हो उधर भी आप ये पहन के जा सकते हो। इट विल लुक गुड, वेरी प्रिटी एंड एस्थेटिक। ओवरऑल आप इसकी लेंथ भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही प्यारी है। अगेन फैब्रिक वाइज जैसे कि मैंने कहा प्योर कॉटन है एंड बिल्कुल भी कहीं से चूभ नहीं रहा है। इट फिट्स मी एकदम अच्छे से। तो या मेरे साइड से आई वुड लाइक टू गिव इट अ 9.5/10। इट इज अप्रूव्ड। नेक्स्ट अप दैट आई हैव विद मी इज अगेन दिस कुर्ती जिसमें थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क हो रखा है। इफ यू सी इट ना क्लोज से आप देख पा रहे होंगे इस पे बीड्स वगैरह एम्ब्रॉयडर्ड कर रखे है। आई लव द एम्ब्रॉयडर्ड डिटेलिंग भी जो इसमें आप देख पा रहे होंगे पिंक कलर की हो रखी है। ओवरऑल इसकी डिजाइन, इसका फैब्रिक इज रियली नाइस। इट इज मेड अप ऑफ प्योर कॉटन फैब्रिक एंड 3/4 स्लीव्स इन्होंने दे रखी है। ऑल ओवर ये प्रिंट है और नीचे ना इन्होंने कुछ साइड में ऐसी डिटेलिंग भी दी है। तो आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं बट ऑनेस्टली इस पर थोड़ा सा गोटा पट्टी वर्क एंड पिंक कलर का फैब्रिक इन्होंने अटैच करा है। सीन ऐसा पाइपिंग बोलते हैं इसको या पाइपिंग तो नहीं बोलते हैं, आई डोंट नो। चलो इसको पहन के देखते हैं। आई थिंक व्हाइट कुर्ता व्हाइट पैंट के साथ, ऑफ व्हाइट कुर्ता व्हाइट पैंट के साथ अच्छा लगेगा। व्हाइट लेगिंग्स के साथ भी चल जाएगा एंड पिंक चाहो तो पिंक यूज कर सकते हो, ग्रे चाहो तो ग्रे यूज कर सकते हो। इवन ग्रे लेगिंग्स बहुत प्यारे लगेंगे। आप इसको जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, ऑफिस के लिए परफेक्ट रहेगा अगर कोई इवेंट्स वगैरह है तो। अदरवाइज तो ये थोड़ी सी सिंपल टाइप सी है, वैसे इसमें चमक धमक तो है नहीं, सिंपल बीड्स ही लगाए हुए। तो आप ऑफिस वेयर के लिए भी नॉर्मली आप पहन के जा सकते हो। तो चलो इसको पहन के देखते हो और देखते हैं कैसा लगता है। बाय द वे गाइस, ये ना मैंने 38 साइज में लिए है, मीडियम साइज में। मोस्टली सारी कुर्तीज जो है ना इस हॉल में मीडियम साइज में। एंड गाइस सब लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछते मेरी हाइट कितनी है, तो मेरी हाइट 5'3" और 5'4" के बीच में है। एंड या चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। इवन ये जो थी ना कुर्ती दिस वाज अ मीडियम साइज। ओके गाइस, दिस इज हाउ द कुर्ता इज लुकिंग लाइक। मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा लगेगा बट ऑनेस्टली इसको पहनने के बाद मुझे लग रहा है इट इज लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी एंड इसके कलर कॉम्बिनेशन की वजह से इट इज लुकिंग मोर गॉर्जियस। इसकी जो फ्रंट है ना जैसे कि मैंने बताया आपको बीड्स लगाए वो है कुछ ऐसे। सो अगेन बहुत प्रिटी लुक आ रहा है एंड इसकी स्लीव्स भी ऑलमोस्ट 3/4 से ज्यादा है। पीछे से इट लुक समथिंग लाइक दिस।
एंड थोड़ा सा आई फील थोड़ा सा टाइट है, बट ऑलमोस्ट इसकी फिटिंग इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छा लुक दे रहा है. तो या आई वुड से कि प्रॉपर फिटिंग वाला है, लूज बैगी फील्स नहीं दे रहा है. इसकी लेंथ भी ओके ऐसे, अगर आप 5'6" 5'7" हो तो थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा. तो नीचे ऊपर ऑलरेडी है, तो आपको अगर लॉन्ग कुर्तीज पसंद है तो डोंट गो फॉर दिस वन. बहुत सारी दूसरी कुर्तीज दिखाई है जिसकी लेंथ अच्छी है, जो इसके ऊपर प्रिंट वगैरह हो रखी है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. तो ऑल इन ऑल आई वुड लाइक टू रेट 9.5/10 मेरी तरफ से, इट्स अ थम्स अप. अब नेक्स्ट जो है ना वो देखकर आप लोग सब खुश हो जाओगे, बिकॉज आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने जो कुर्ता सेट की कलेक्शन दिखाया था ना, वो बहुत ही ज्यादा प्राइसी थे, 2,500-3,000. एंड मेरी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस बहुत लिख रही थी कि 3-piece सेट के लिए दिस इज लाइक टू मच, वी कांट अफोर्ड वगैरह. तो आई वॉज लाइक कि चलो 3-piece सेट फ्रॉम फैशर हम बजट फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से भी करने की कोशिश करेंगे. तो हियर आई एम 1299 में आपको तीन चीजें मिल रही है, दुपट्टा भी, कुर्ता भी और पैंट भी. एंड ये वाला जो है ना आप इसको वर्सटाइल वे में यूज कर पाओगे. लेट मी शो यू ऑल, दिस इज हाउ द कुर्ता लुक्स लाइक. ये थोड़ा सा चिकनकारी वाइब्स दे रहा है, बट ऑनेस्टली ये मशीन वर्क है एंड बिल्कुल भी चिकनकारी नहीं है. बट इट लुक्स सो प्रिटी, आप ऑफिसेस कॉलेजेस हर जगह पे पहन के जा सकते हो. एंड दिस इज हाउ द स्लीव्स आर, एंड इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है. ऐसी साइड में उन्होंने डिटेलिंग दे रखी है ऑल ओवर द 4 3 squares, 3 boundaries. इसका और पैंट का जो मटेरियल है ना, पैंट भी दिखा देती हूँ आपको. पैंट कुछ ऐसा है और नीचे इन्होंने ऐसी बहुत प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रखी है जो बहुत सुंदर लगेगा. एंड ये जो मटेरियल है ना दोनों का कॉटन है, आई फील देख के लग रहा है, और स्पेसिफिकेशन में भी कॉटन ही लिखा है. तो पैंट और कुर्ते दोनों का मटेरियल इस कॉटन 100% कॉटन है. और ये दोनों मैंने मीडियम साइज में ऑर्डर किया है, मतलब ये सेट मैंने मीडियम साइज में ऑर्डर करा है. एंड दिस इज हाउ द दुपट्टा लुक्स लाइक. लेंथ बहुत अच्छी है दुपट्टे की, और ये जो है ना पॉली शिफॉन मटेरियल है. तो या लव इट. ये थोड़ा शनाया वाइब्स नहीं दे रहा है? शनाया ने आई थिंक येलो वाला पहना था इसमें, एंड ये वाला जो है ये थोड़ा सा लैवेंडरिश बॉयलेट कलर में है. आई लव दिस कलर, ये काफी ट्रेंड करता है एंड उठ के आता है. आई थिंक ऑल स्किन टोन्स पे ना ये कुर्ता सेट बहुत अच्छा लगेगा. तो अगर आप कुछ नहीं ले रहे हो ना तो भी ये कुर्ता सेट में तो जरूर से इन्वेस्ट करना. चलो लेट्स सी ये कैसा दिखता है. Okay guys, this is how the set is looking like, but I am going to suggest something. I mean, बहुत अच्छा दिख रहा है truly. इसका जो fabric है थोड़ा सा rough है, तो over a period of time I think धोओगे ना तो आपको soft feel होने लग जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा soften होगा material over a period of time. लेकिन एक्चुअली जो सजेशन मैं देना चाहती थी वॉज अबाउट दिस साइज. मुझे ना ये पैंट्स बहुत टाइट हो रहे हैं, तो जस्ट डोंट गो फॉर एम साइज, एक साइज ऊपर चले जाओ. एंड ऑनेस्टली चाहे आप कॉलेजेस में पहनो या ऑफिस में पहनो, ये बहुत सुंदर दिखेगा. इवन वेकेशन पे जाना तो भी आप पहन के जा सकते हो. इसका फ्रंट वर्क, इसका दुपट्टा एंड इसके साथ जो पैंट की एम्ब्रॉयडरी है नीचे, वो भी बहुत प्यारी है. तो या पीछे से इट लुक समथिंग लाइक दिस. मुझे इसका कलर इतना पसंद आया ना कि आई एम जस्ट लाइक वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ this dress. And इसका fabric of dupatta is also very soft. So yeah guys, मेरी तरफ से I would like to rate it 9/10. 8 point काट रही हूँ because of this size. So yeah, that's that. Next कुर्ता set that I have with me is let me show you all. बहुत ही प्यारा slit वाला. एक second ना, just give me a second. Let me open it. बहुत लंबा है guys. Love the color. Love the detailing. फॉइल पेपर मिरर वर्क है ये, एक सेकेंड लेट मी चेक. नहीं फॉइल, हाँ मिरर वर्क है गाइज, दिस इज मिरर वर्क. एंड आई लव द फ्रंट, और फ्रंट से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग है अनारकली. फेस्टिवल के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे वगैरह ना बहुत अच्छा लगेगा ऐसा सेट. इवन अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, पूजाज है, ये चल जाएगा. थोड़ा सा डार्क है ऑल दो, तो आई एम अ बिट स्केप्टिकल कि लोग इसे पहनना पसंद करेंगे या नहीं. बट अगर आप इसको झुमकाज और यू नो अच्छे से एक्सरसाइज करोगे ना तो बहुत उठ के आएगा. बहुत कम्फी है बिकॉज इसका जो मटेरियल है दैट इज प्योर कॉटन. एंड ये मैंने मीडियम साइज में अगेन ऑर्डर किया. लव द स्ट्रेचेबिलिटी, एंड मुझे लगता है ये पैंट्स बहुत कम्फी रहने वाले. पैंट्स की साइज भी बहुत अच्छी आई है. एंड प्रिंट जो है अगेन इट्स वेरी कॉन्ट्रास्टिंग टू द कुर्ता, बट इन दोनों का कलर इज वेरी सेम, बबल कम टाइप्स कलर है.
एंड ये अभी प्राइस हो रहा है 1499 का. अगर कोई डिफरेंट कलर में एंड ऐसे कुछ प्रिंट में ढूंढ रहा था, ऐसा मिरर वर्क में कुछ ढूंढ रहा था ना, तो उसके लिए ये सेट बहुत ही अच्छा रहेगा. एंड फैब्रिक भी कॉटन है तो आप ऑल डे लॉन्ग कंफर्टेबल रहोगे. ऑफिसेज भी पहन के जा सकते हो अगर कोई इवेंट वगैरह है तो. इसकी स्लीव्स भी अच्छी खासी है, 3/4 से ज्यादा आई थिंक फुल स्लीव्स इन्होंने दी है, तो फुल स्लीव्स वाले अनारकली सेट तो बड़े प्यारे लगते हैं. और सब मेरा कूपन कोड यूज करके ना डिस्काउंट अवेल कर सकते हो. तो या इट्स ऑल फॉर यू गाइस, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता है इस पे. ये कूपन कोड मैं इसलिए लाती ताकि आपको और ज्यादा बेनिफिट हो, तो या पूरी तरह से फायदा उठा होगा इस. देखते हैं ये पहन के कैसा लगता है. ओके गाइस, दिस इज हाउ द ड्रेस इज लुकिंग लाइक. ओ माय गॉड, मैंने इमेजिन नहीं करा था कि ये ड्रेस इतना अच्छा ब्यूटीफुल लगेगा अनारकली सेट. आई मीन ऐसा हो रहा है कि जो मैंने सोचा था अच्छा दिखेगा वो अच्छा नहीं लग रहा है, और जो नहीं अच्छा दिखेगा सोचा था, इतना अच्छा नहीं दिखेगा सोचा था, बहुत अच्छा लग रहा है. I mean, just look at it, love the color. इसकी जो front है बहुत ही beautiful है. This entire set is very lightweight और इसकी length guys नीचे तक आ रहा है, तो अगर 5'7" वाले भी इसको पहन लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. And पीछे से it looks something like this. Slit वगैरह है ना इसके अंदर, तो बहुत ही trendy, beautiful and एकदम वो ऐसे Bollywood vibes आ रही है इससे मुझे. बहुत fashionable लग रहा है एंड लाइट वेट इतना ना कि लग भी नहीं रहा कि मैंने कुछ पहना है. तो आई थिंक ऑल इन ऑल आई लव द फैब्रिक, प्रिंट क्वालिटी, जो वर्क इन्होंने करा है, एवरीथिंग इज जस्ट सो गुड. आई वुड लाइक टू रेट इट 10.5/10. इतना अच्छा है तो एक्स्ट्रा 0.5 फॉर दैट. माय फेवरेट, ओह माय गॉड, लव इट. इसका जो नेक है इट इज सो प्रिटी एंड इसकी जो प्रिंट है फ्लोरल प्रिंट इट इज अमेजिंग. लुक एट द स्लीव्स, ओ माई गॉड, लव द एम्ब्रॉयडरी वर्क, मिरर वर्क एंड जिस टाइप का इन्होंने कॉम्बिनेशन यूज करा है ना कलर का, ये बहुत उठ के आ रहा है एंड ये 100% बहुत अच्छा लगेगा. आप ऑफिसेस जाओगे तो भी आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, आप फेस्टिवल्स में पहनोगे तो भी कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, फंक्शंस इवेंट्स हर जगह पे आपको कॉम्प्लीमेंट्स ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे. इसका जो फैब्रिक है ना प्योर कॉटन है एंड इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है. इसके नीचे आप ब्लैक लेगिंग्स वगैरह पहन के स्टाइल कर सकते हो, जीन्स पहन के स्टाइल कर सकते हो. मैंने जो इसमें साइज लिया ना दैट इज इन द साइज मीडियम. तो या आई थिंक चलो इसको पहन के देखते तो पता चलेगा इसकी क्वालिटी कैसी है एंड ये दिखता एक्चुअल में कैसा है. वैसे तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है. ओके गाइस, दिस इज हाउ द कुर्ता लुक्स लाइक. इट इज लुकिंग वेरी नाइस. जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा था उतना अच्छा नहीं, बट स्टिल आई फील इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. पीछे से इट लुक्स समथिंग लाइक दिस एंड इसमें ना दो पॉकेट्स भी इन्होंने दे रखे हैं विच इज सो नाइस. पॉकेट्स इतने बड़े नहीं है, ओके ओके टाइप्स के हैं. लेट मी शो यू ऑल फ्रेंड्स कि इसका नेक कितना प्यारा है. दिस इज हाउ द नेक लुक्स लाइक एंड इसकी प्रिंट क्वालिटी इज ऑल्सो अमेजिंग. और ये इसका पॉकेट है. तो या स्लीव्स भी काफी लेंथ वगैरह बहुत अच्छी आई है. ओवरऑल आई लव दिस कुर्ती एंड इसकी जो लेंथ है आप देख सकते हो वो भी काफी अच्छी है. तो मेरी तरफ से आई वुड लाइक टू रेट इट 8.5/10. या अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल सेट है आप लोगों के लिए. इट इज इन दिस पीच कलर, ओ माई गॉड. एंड ये पूरा कुर्ता दुपट्टा एंड पैंट सेट ना आपको सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा ₹1299 में. और ये जो कुर्ता है ना बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी से मेड है. आगे इसकी मिरर डिटेलिंग्स है एंड आई लव द फ्लोरल प्रिंट ऑनेस्टली. इसका जो स्लीव्स है दैट इज 3/4 एंड लेंथ काफ़ी अच्छी और लंबी है. फैब्रिक की तो मैं बात ही नहीं कर सकती, इतना सॉफ्ट है. मैं आपको कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ. बहुत ही लाइट वेट है एंड बहुत अच्छा फील्स दे रहा है. इसका जो दुपट्टा है प्योर कॉटन, अगेन वेरी सॉफ्ट, वेरी कम्फी. एंड इसके साथ ना आई थिंक पर्ल ज्वेलरी बहुत प्यारी लगेगी. लेंथ कितनी सही है इस दुपट्टे की. मोस्ट ऑफ द दुपट्टाज दैट कम विद द मीशो वाले कुर्ता सेट ना आर सो स्मॉल. इवन फ्लिपकार्ट एंड अदर शॉपिंग एप्स के भी बहुत कम आते हैं लेंथ में. बट दिस, लुक एट दिस, ये काफ़ी अच्छा है. आई थिंक 5'3" या 5'2" वालों को तो ये बहुत ही अच्छे से फिट हो जाएगा. 5'4" 5'6" वालों के ना थोड़ा सा, 5'6" वालों के आई थिंक थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, बट अदरवाइज भी ये बहुत प्यारा है. लव द प्रिंट एंड बोथ साइड प्रिंटेड है ऑलमोस्ट. मतलब एक ही साइड प्रिंटेड है बट दूसरी साइड भी ऐसे कोई प्लेन कपड़ा इन्होंने नहीं लगाया है विच इज़ नाइस. एंड इसका जो पैंट है अगेन
कॉटन फैब्रिक ही है और सेम प्रिंट इस पे हो रखी है, जैसी आई थिंक कॉन्ट्रास्टिंग प्रिंट हो रही है, हाँ, क्योंकि ना कुर्ता में तो फ्लोरल डिजाइन है और इसमें ऐसी इन्होंने ज्योमेट्रिक डिजाइन कर रखी है, तो अगेन कॉन्ट्रास्टिंग फील्स आ रहे हैं। अब इसको पर्ल ज्वेलरी के साथ एक्सेसराइज करके देखना, बहुत प्यारा लगेगा। अगर आप ऑफिस वगैरह जाओगे ना, 100% आपको सब पूछेंगे ये कहाँ से लिया है, कौन सी ब्रांड से लिया है। तो डू चेक दिस वन आउट अगर आपको पसंद आए। चलो अभी मैं आपको फटाफट से पहन के दिखाती हूँ। दिस इज हाउ द कुर्ता सेट इज लुकिंग लाइक। आई थिंक अब तक जो भी मैंने कुर्ता सेट्स पहने हैं उसमें से दिस इज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट इन दिस हॉल। आई लव द फैब्रिक, आई लव हाउ इट फिट्स मी। इसका जो प्रिंट क्वालिटी है दैट इज सो प्रीमियम। लव द लेंथ ऑफ द दुपट्टा, एंड अगर आप 5'7" भी हो ना तो भी आपको बहुत अच्छे से फिट आ जाएगा बिकॉज इसकी कुर्ते की लेंथ इतनी अच्छी है। पीछे से इट लुक समथिंग लाइक दिस, एंड इसका फ्रंट इज सो ब्यूटिफुल। लेट मी शो यू ऑल। Oh my God, just in love with how this kurta set looks like. इसकी finishing बहुत अच्छी है, and आप चाहे शादी वादी में जा रहे ना तो अच्छे हैवी मिरर झुमकास अगर पहन के जाओगे उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। पूजा के लिए बेस्ट है, एंड कोई भी फंक्शन इवेंट, इवन आपके ऑफिस में कुछ इवेंट्स वगैरह है ना तो उसके लिए भी चल जाएगा। बहुत बहुत सुंदर है, इसका कलर इतना प्यारा है, प्रिंट इतनी अच्छी है। मेरी तरफ से इट्स अ 10/10 फॉर दिस कुर्ता सेट, एंड आई वुड लाइक टू गिव अ थम्स अप। इस कुर्ती I have with me is again in the size medium, peach color में है, and इस पे कुछ ऐसी floral detailing हो रखी है। Perfect है for casual wear and offices, colleges, अगर आप घर में भी कुछ casual खरीदना चाहते हो पहनने के लिए, markets वगैरह जा रहे हो उसके लिए कुछ चाहिए तो ये best रहेगा। अगर आप पूजा के लिए कुछ निकालना चाहते हो तो इसके साथ ना white leggings वगैरह पहन के आप बैठ सकते हो। अगर जैसे मतलब हमारे जैन पद्धति में ऐसा होता है ना कि हम सुबह सुबह दर्शन के साथ पूजा भी करते हैं भगवान की, तो वो पूजा की बात कर रही हूँ, हवन या जो फंक्शन जैसा पूजा होता है ना उसकी बात नहीं कर रही। उसमें मैं जब हम अंदर जाके पूजा करते हैं हमें कुछ सादा सिंपल कपड़े चाहिए होते हैं। थिंक दिस वुड बी द बेस्ट फॉर दैट। बहुत पीसफुल है इसके कलर्स ऑल्सो। इसको ना मंडेलियन कॉलर्स इन्होंने दिए हैं, आगे से बटन्स है। आई थिंक ये बटन्स ओपन होते हैं लेकिन खाली फर्स्ट टू। ऑल्सो ये 699 का प्राइस हो रहा था, बट आप मेरा कूपन कोड यूज करके और 5% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। गॉट दिस इन द साइज मीडियम और इसकी लेंथ काफी अच्छी है। तो यार लेट्स सी मैं इसको कैसे स्टाइल करती हूँ और कैसा लगता है ये मुझ पे। Okay guys, ये मैंने पहन लिया है। दिस इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक। परफेक्ट है अगेन फॉर कैजुअल वेयर्स। अगर आपको अपने ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह जाना है ना उसके लिए आराम से चल जाएगा। इवन ऑफिस के लिए बहुत कम्फी रहने वाला है। थोड़ा सा जो फिट है ना स्लाइटली टाइट है, मतलब ज्यादा रूम फॉर स्पेस नहीं है, बट फिर भी आई थिंक बिल्कुल भी मुझे ऐसे जबड़ा वगैरह फील नहीं हो रहा है। इट इज कम्फर्टेबल एंड वेरी ब्रीदेबल। पीछे से इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। आई लव द डिजाइन, एंड पूजा वगैरह में जैसे मैंने कहा ना चल जाएगा। ये फिट अच्छी है, फैब्रिक अच्छा है, एंड प्रिंट वगैरह भी बहुत प्यारी है। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप दे देती हूँ। दिस इज हाउ द कुर्ती लुक्स लाइक। आगे से इसकी जो स्लीव है वो फुल लेंथ है और ऐसी डिजाइन दे रखी है उन्होंने। तो या आप चाहो तो यहाँ पर ना वॉच स्टैक या ब्रेसलेट स्टैक्स वगैरह पहन के और थोड़ा सा लेवल अप कर सकते हो इस बेसिक कुर्ती को। तो मेरी तरफ से इट वुड बी अ थम्स अप, एंड आई वुड लाइक टू रेट इट 10/8/10। नेक्स्ट जो कुर्ता है ना मेरे पास वो बहुत ही फैंसी है बिकॉज इट्स अ फ्लेयर्ड स्लिट वाला कुर्ता इन मॉव कलर, एंड फ्लोरल प्रिंट हो रखी है इसके अंदर। स्लिट टाइप्स नहीं है बट यहाँ से ऐसा फील दिया है कि स्लिट है इसके अंदर, इफ यू ऑल कैन सी। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा फील दिया है, बट यहाँ पर इन्होंने कपड़ा दे रखा है तो ऐसा कुछ स्लिट वाला सीन तो नहीं है। मुझे पिक्चर में देखकर ऐसा लगा कि शायद स्लिट है। आलिया कट टाइप्स वाइब देने की कोशिश करी है थोड़ी सी, बस यहाँ पर लाइंस वगैरह नहीं है। यहाँ पर इन्होंने स्लिट दे दिया है, बटन्स लगाए हैं, वी नेक है। लव द फ्लोरल डिजाइनिंग, कलर भी बहुत ही अच्छा है। बलून स्लीव्स दी है, एंड लेंथ ऑफ द अनारकली कुर्ता इज ए लाइन कुर्ता। एक्चुअली ए लाइन कुर्ता इज वेरी गुड। थिंक ये प्योर कॉटन फैब्रिक है, वॉश के बाद और थोड़ा सॉफ्ट वगैरह हो जाएगा एंड लूज भी होगा। गॉट दिस इन द साइज मीडियम। चलो इसको पहन के देखते हैं। ओके गाइज, दिस इज हाउ द ए लाइन अनारकली कुर्ती इज लुकिंग लाइक। अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पीस। लव द नेक, और यहाँ से जो इन्होंने स्लिट वाला फील दिया है ना दैट इज ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी यूनिक।
एंड इसकी जो स्लीव्स है जैसे कि मैंने कहा बलून स्लीव्स है, उसके कारण ना यहाँ पर जो भी आर्म फैट होता है ना वो हाइड हो जाता है एंड यू फील वेरी लाइक गुड टू गो. मैं बहुत कॉन्शियस हूँ आर्म फैट और टमी फैट से, तो मुझे बलून स्लीव्स में एंड ऐसे पेपलम या एंड ऐसे ए लाइन चीज़ों में ना बहुत कम्फी फील होता है. तो या थोड़ा सा फैब्रिक आई थिंक छूब रहा है मुझे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार मैं इसको वॉश वगैरह करूँगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगा. पीछे से इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. आई लव जैसे ये मुझे फिट हो रहा है, प्रॉपरली फिट हो गया, किधर से भी मुझे छूब नहीं रहा है. थोड़ा सा फैब्रिक इज रफ ऑल दो एंड इसकी लेंथ भी आप देख सकते हो कितनी प्यारी है, ऑलमोस्ट नीचे तक आ रही है. तो या आई थिंक 5-6, 5-7 वालों को भी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा और ऊपर आएगा प्रोबेबली बट चल जाएगा. नेक्स्ट अप दैट आई हैव विद मी इज दिस वेरी प्रिटी कुर्ता सेट. और ये जो कुर्ता सेट है बहुत ही कैजुअल है जैसे कि आप देख पा रहे हो. इट इज प्राइसिंग फॉर 1409 बट ऑनेस्टली दिस इज सो लाइट वेट. ऐसा फैब्रिक आपने देखा ही नहीं होगा, फील ही नहीं किया होगा, इट इज सो लाइट वेट, ऐसा लगेगा ही नहीं आपने कुछ पहन रखा है. प्लस इसकी प्रिंट और कलर बहुत ही प्यारी है, तो कैजुअल वेयर के लिए आई थिंक कोई इवेंट्स वगैरह है, नॉर्मल कैजुअल इवेंट्स वगैरह है, अगर आप फ्रेंड्स को मिलने जा रहे हो, घर के लिए आपको कुछ चाहिए, नीचे उतर रहे हो उसके लिए कुछ चाहिए, तो भी ये बेस्ट रहेगा. फुल स्लीव्स है तो और भी मस्त लगेगा. एंड ये मैंने मीडियम साइज में लिया, इसकी लेंथ बहुत प्यारी है, स्पेशली वाइट जीन के साथ तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा. एंड ये जैसे कि मैंने कहा 1049 का प्राइस हो रहा है. चलो इसको पहन के देखते हैं. लीफ नेक लाइन है अगेन और फ्रंट पे कुछ ऐसी डिटेलिंग हो रखी है, तो या लेट्स गो एंड सी ये कैसा लगता है. गॉड गाइस, इसका फैब्रिक इज सो लाइट वेट. मैं अभी जस्ट यॉन कर रही थी पहनते पहनते, मुझे ऐसा लग रहा था मैं सोने जा रही हूँ. I just so love the fabric. इतना लाइट वेट, इतना सॉफ्ट, ऐसे लग ही नहीं रहा है मैंने कुछ डाला भी है अपने बॉडी पर. एंड इसकी पैटर्न वगैरह भी इट इज वेरी नाइस प्रिटी. इसका नेक बहुत अच्छा लीफ नेक है अगेन. एंड लव द स्लीव्स. स्लीव्स में भी आप देख सकते हो कुछ ऐसी डिटेलिंग इन्होंने दे रखी है एंड पे. एंड इसकी जो पैटर्न है, जो इसका कलर है न्यूड कलर, बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे. एंड अगेन वाइट लेगिंग्स के साथ इट इज लुकिंग ब्यूटिफुल. इसकी लेंथ भी काफी अच्छी आई और अच्छे से फिट हो गया है. पीछे से इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. डिजाइन वाइज, क्वालिटी वाइज, पैटर्न वाइज, everything wise it is a 10/10 guys. It's a must have, must buy. तो यह मेरी तरफ से I would like to give it a thumbs up. Okay guys, this was it for this haul video. I hope you guys enjoyed this haul video and if you guys did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Guys, 90% मेरे videos सिर्फ देखते और subscribe करते ही नहीं है. Guys, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट वुड मीन अ लॉट टू मी. मुझे और मोटिवेशन मिलेगी आप लोग के लिए ऐसी हॉल्स बनाते रहने के लिए. एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मीशो के अलावा आपको और कौन से हॉल्स पसंद आएंगे. जैसे कि मिंत्रा से कुछ अगर आपको चाहिए, आजियो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कोई भी हॉल्स अगर आपको चाहिए रिलेटेड टू जीन्स या फुटवेयर या एनी थिंग जो आपको अभी जरूरत हो, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना और मैं जरूर से उस पर हॉल बनाने की कोशिश करूंगी. तो या लेट्स सी कि मैं नेक्स्ट कौन सा वीडियो लेकर आती हूँ, बिकॉज मैं मीशो हॉल से बहुत ज्यादा पक गई हूँ एंड आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट कीप क्रिएटिंग मीशो हॉल्स. तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी मीशो हॉल्स भी, अच्छी खासी क्वांटिटी बनाऊंगी, बट उसके अलावा भी कॉन्टेंट क्रिएट करूंगी ताकि मेरी दूसरी ऑडियंस भी सेटिस्फाइड रहे. तो या विदाउट वेस्टिंग योर और ज्यादा टाइम, आई विल जस्ट टेक माई लीव. हैव अ गुड डे और अ गुड नाइट.